आपने देखा कि किस तरह प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करें अप्रत्यक्ष विधि से, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड की। तो इनडायरेक्ट मेथड से जब हम फर्स्ट यानी कि संचालन क्रियाओं की गणना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि शुद्ध रोकड़ प्रवाह यानी कि नेट कैश फ्लो की हमको कैलकुलेशन करनी है। और यहाँ पर हमको जो जानकारियाँ दी गई हैं उनका बेस होता है या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिए गए होंगे यहाँ पर, या फिर हमको बैलेंस शीट दी गई होगी और कुछ एडजस्टमेंट दिए गए होंगे, कुछ जानकारियाँ दी गई होंगी। उसके आधार पर फिर हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कैलकुलेशन यहाँ पर करनी होगी। ये जो पूरी कैलकुलेशन होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। देखा जाए तो टोटल 5 स्टेप में हम इसको पूरा का पूरा कवर कर पाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसको अगर समझें तो पहले स्टेप में सबसे पहले, जैसे कि हमने देखा, हम कैलकुलेशन करते हैं कर एवं असाधारण मद के पूर्व शुद्ध लाभ की गणना, यानी कि इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की। सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेशन करते हैं कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व संचालन लाभ यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो रहता है उसकी गणना हम यहाँ पर सेकेंड स्टेप में करते हैं, जिसे हम यहाँ पर लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये हो जाता है हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में जब हम पहुंचते हैं तो हम कैलकुलेशन करते हैं कर एवं असाधारण मदों से पूर्व संचालन गतिविधियों से उत्पन्न रोकड़ की गणना, या जो रोकड़ प्राप्त हुई है उसकी गणना, जिसे हम कहते हैं अपने फॉर्मेट में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये होगा हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में जब आते हैं हम, तब हम कैलकुलेट करते हैं असाधारण मद के पूर्व संचालन क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ की गणना, यानी यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और फिफ्थ स्टेप जो हमारा लास्ट स्टेप होता है, वहाँ पर फिर हम कैलकुलेट करते हैं संचालन क्रियाओं से उत्पन्न या फिर संचालन क्रियाओं में प्रयुक्त शुद्ध रोकड़ की गणना। तो यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये 5 स्टेप होते हैं और इन 5 स्टेप के अंदर हम बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं तब ये 5 स्टेप हम प्राप्त कर पाते हैं। तो ये स्टेप जो हमने देखे यहाँ पर, आइए अब हम देखते हैं कि इनकी गणना किस प्रकार से की जाएगी, कैसे इन सभी स्टेप्स को प्रारूपबद्ध करके एक फॉर्मेट में हम लिखेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना का प्रारूप। इसके अंतर्गत हम विवरण पक्ष, रकम विस्तार और रकम 3 कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले हम विवरण में लिखेंगे संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, कर एवं असाधारण मद के पूर्व लाभ, गैर रोकड़ एवं गैर संचालन मदों का समायोजन। इसके लिए हम इसमें प्लस करेंगे हास, ख्याति, पेटेंट व्यापार चिन्ह का परिशोधन, व्ययों के लिए आयोजन, डूबत ऋण, पूर्वाधिकारी अंशों एवं ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम, ऋण पत्रों एवं ऋणों, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पर ब्याज, स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर हानि, और फिर इसके टोटल में से हम माइनस कर देंगे वर्ष के दौरान लाभांश प्राप्त, वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज, वर्ष के दौरान किराया प्राप्त, स्थायी संपत्ति विनियोग के विक्रय के लाभ। और अब जब हम माइनस करेंगे सब पॉइंट्स को तो जो हमारा आंसर आएगा वो कहलाएगा कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व संचालन लाभ, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन करने वाली मदों के लिए समायोजन, इसमें हम प्लस करेंगे चालू संपत्तियों में कमी और चालू दायित्वों में वृद्धि,
और इसमें हम माइनस करेंगे चालू संपत्तियों में वृद्धि और चालू दायित्वों में कमी। इसका जो बैलेंस आएगा वो कहलाएगा कर एवं असाधारण मद के पूर्व संचालन से उत्पन्न रोकड़। इसमें हम माइनस कर देंगे आयकर का भुगतान और प्लस कर देंगे आयकर की वापसी, ये कहलाएगा बैलेंस असाधारण मद के पूर्व रोकड़ प्रवाह। और फिर हम इसमें प्लस कर देंगे लाभ हानि विवरण में क्रेडिट की गई असाधारण आय, और हम इसमें माइनस कर देंगे लाभ हानि विवरण में डेबिट की गई असाधारण व्यय। इसका आंसर कहलाएगा संचालन क्रियाओं से उत्पन्न शुद्ध रोकड़ प्रवाह। इसी के अंतर्गत कर एवं असाधारण मद के पूर्व शुद्ध लाभ की गणना के लिए हम जिस फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे, लाभ हानि विवरण के अनुसार शुद्ध लाभ हानि विवरण पत्र के अनुसार शेष या आधिक्य अंतिम, इसमें हम माइनस कर देंगे लाभ हानि विवरण पत्र के अनुसार शेष या आधिक्य प्रारंभिक। टोटल हम बाहर लिखेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे संचय में स्थानांतरित चालू वर्ष या गत वर्ष का हो सकता है, कर के लिए प्रावधान चालू वर्ष का, प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष का, वर्ष के दौरान अंतिम लाभांश का भुगतान, लाभ हानि विवरण में डेबिट किए गए असामान्य व्यय, लाभ हानि विवरण में क्रेडिट की गई आयकर की वापसी, और फिर हम इसमें माइनस करेंगे लाभ हानि विवरण में क्रेडिट की गई आयकर की वापसी, लाभ हानि विवरण में क्रेडिट की गई असाधारण आय, और फिर जब इन दोनों को हम लेस कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा कर एवं असाधारण मद के पूर्व शुद्ध लाभ। तो आपने देखा कि किस तरह एक व्यवस्थित प्रारूप के आधार पर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि रोकड़ प्रवाह संचालन क्रियाओं के माध्यम से इसकी गणना करेंगे। आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें। निम्न जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 31st March 2018, 54,750, 31st March 2017, 27,000. 13,950 for year 31st March 2017. Adat Vay, outstanding expenses, 31st March 2018, 10,200. 31st March 2017, 17,850. Patents, 31st March 2018, no amount. 31st March 2017, 18,000. पूर्व दत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस 31st मार्च 2018 14,000, 31st मार्च 2017 12,000। व्यापारिक देयताएं ट्रेड पेबल्स 31st मार्च 2018 32,000, 31st मार्च 2017 44,000। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैपिटल वर्किंग कैपिटल चेंजेस चाहिए, जिसके लिए हमको यहाँ पे बैलेंस दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। उसको हम जो ईयर एंडेड 2018 का है उसमें से 2017 का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस हमको बच जाएगा वो हम मान लेंगे कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंज है। अब हम इसमें करेंगे कैश फ्लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट, जिसमें हम एडजस्टमेंट कर लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल आइटम,
और ऐड हम करेंगे सबसे पहले डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसे हमने अपने फॉर्मेट में देखा था कि संपत्तियों के मूल्य में कमी को हम यहाँ पर ऐड करते हैं, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले जो ट्रेड रिसीवेबल थे 2017 में वो 13,950 के थे और 18 में वो 11,250 के हो गए। तो यहाँ पर 2,700 इसमें डिक्रीज हुआ है, जिसको कि हम यहाँ पर ऐड करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 2017। तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंज था वो था 27,750 और अब उसमें हम ऐड कर दिए डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 2,700, तो ये टोटल हो जाता है 30,450। और अब हम इसमें लेस कर दें तो क्या क्या लेस करें हम इसमें, कि एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये हमारी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होते हैं और क्योंकि ये एक प्रकार की लायबिलिटी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2017 में ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 17,850 के थे और 2018 में ये 10,200 के हो गए, यानी कि डिक्रीज हो गए। अब लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाए तो हमने देखा फॉर्मेट में, फिर हम उसको यहाँ पर लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लेस में लिखेंगे डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और डिफरेंस देख लेते हैं हम दोनों में डिफरेंस कितने का रहा है। तो यहाँ आपको 7,650 रुपीज का डिफरेंस दिख रहा है। एक पॉइंट हमको यहाँ दिखाई दे रहा है पेटेंट। पेटेंट को अगर हम देखें तो पेटेंट जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो 2017 टू 18 कंपैरिजन में कहीं पे भी नहीं दी गई है और ये अगर देखा जाए तो इस पेटेंट जो है वो आउटफ्लो माना जाता है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो उसको यहाँ पर हम कैश एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस है, सबसे पहले तो हमको समझना है कि ये है हमारे लिए एसेट्स क्योंकि प्रीपेड है। अब देखते हैं इसमें चेंजेस क्या आया है। तो 2017 में था ये 12,000 का और 2018 में ये हो गया 14,000 का, यानी कि 2,000 इंक्रीज हो रहा है। तो 2,000 इंक्रीज अगर होता है, कोई एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है, तो हमने देखा कि उसको हम यहाँ माइनस में लिखते हैं। तो माइनस यानी कि लेस में हम इसको लिख देंगे इंक्रीज प्रीपेड एक्सपेंसेस और बैलेंस अमाउंट 2,000 को यहाँ हम लिखेंगे। उसके बाद है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल व्यापारिक देता है, लाइबिलिटीज है यानी हमारी। 2017 में ये 44,000 की थी और 2018 में ये 32,000 की हो गई, यानी कि डिक्रीज हो गई। अब हमको इस बात का ध्यान में रखना है कि ये लायबिलिटीज हैं और डिक्रीज हुई हैं, तो लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो यहाँ पर हम इसको लेस में लिखते हैं और हम यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल और डिफरेंस की जो अमाउंट है 44,000 माइनस 32,000 12,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। 31 मार्च 2018 को बजरंग लिमिटेड का लाभ 67,200 था। निम्न जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। बजरंग लिमिटेड अर्न अ नेट प्रॉफिट रुपीज 67,200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यू हैव आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर्स विवरण, चालू विनियोग करेंट इन्वेस्टमेंट फॉर 31 मार्च 2018 28,000, फॉर 31 मार्च 2017 22,000। व्यापारिक प्राप्तियां ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर 31 मार्च 2018 14,800 एंड फॉर 31 मार्च 2017 16,800। अदत्त व्यय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर 31 मार्च 2018 60,000 एंड फॉर 31 मार्च 2017 48,000। संचित व्यय एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर 31 मार्च 2018 56,000 एंड फॉर 31 मार्च 2017 40,000। पूर्व दत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर 31 मार्च 2018
13,000 and for 31st March 2017, 9,000. Khyati, goodwill, 31st March 2018, 32,000 and 31st March 2017, 48,000. Vyaparik Deyatae, trade payables, 36,400 for 31st March 2018 and for 31st March 2017, 21,700. इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि हमको जो विवरण दिए गए हैं उनके दो क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं 2017 के और 2018 के। इनके बेस पर हमको कैश फ्लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने फॉर्मेट में देखा कि हमको चाहिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर यहाँ पर हमको 67,200 कैलकुलेट करके दे दिया गया है, जिसे हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे और उसके बाद फिर हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो फॉर्मेट में हमने देखा कि जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते हैं तो दो तरह के एडजस्टमेंट हम यहाँ पर लेते हैं, जिसमें पहला एडजस्टमेंट होता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, और दूसरा एडजस्टमेंट होता है एडजस्टमेंट फॉर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल आइटम। तो अगर हम एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को देखें तो इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक चीज जो डेप्रिसिएशन है उसमें किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। तो क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग में हमको यहाँ पर केवल दो ही चीजें दिखाई दे रही है, एक तो डेप्रिसिएशन हमको नॉन ऑपरेटिंग दिख रहा है यहाँ पर और दूसरा गुडविल। बाकी जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं वो सब ऑपरेटिंग रिलेटेड है, तो इनको हम अलग कर लें। डेप्रिसिएशन हम देख रहे हैं कि 2017 में 40,000 था जबकि 2018 में बढ़कर 56,000 हो गया। ऐसी कंडीशन में ये एक्सपेंस है और ये इंक्रीज हो जा रहा है, लॉस है, इंक्रीज हो जा रहा है, तो इसको हम ऐड में लिखेंगे। और डेप्रिसिएशन में चेंजेस क्या रहे हैं, कितने क्या रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 40,000 का जो डेप्रिसिएशन था वो हो गया 56,000। तो डिफरेंस की जो अमाउंट है 16,000 वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद हम सेकेंड देख रहे हैं कि गुडविल, गुडविल यहाँ पर दी गई है, तो गुडविल हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 48,000 की गुडविल थी और अब वो गुडविल जो है वो हो गई है 32,000 की। तो इसका जो डिफरेंस हम 16,000 वो यहाँ पर हम लिख लेंगे और उसके बाद अब हम इस पूरे का टोटल कर देंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 67,200 जो है ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया गया है। इसमें हम ऐड कर दें जो हमने डेप्रिसिएशन का बैलेंस लिया था वो, और फिर हम इसमें ऐड कर दें 16,000 गुडविल के अमाउंट जो है वो हम इसमें ऐड कर दें। तो ये टोटल अमाउंट हमको यहाँ पर जो है वो मिल जाती है 95,200। डेप्रिसिएशन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट 52,000। अब हम करें एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम। तो इसमें हम देखते हैं कि किन किन चीजों को हम ऐड करते हैं। एक तो अब हमको यहाँ पर दिख रहा है वर्किंग कैपिटल रिलेटेड ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 17 में 16,800 था और 18 में 14,800 हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया है। अब ये ट्रेड रिसीवेबल है, एक प्रकार से देखें तो एसेट्स है और ये डिक्रीज होता है, तो ये ऐड का ये पॉइंट ऐड हम इसमें करेंगे। तो हम डिफरेंस यहाँ पर देख रहे हैं कि 2000 डिक्रीज हुआ है, तो 2000 के अमाउंट हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं ट्रेड पेबल दिया गया है, जस्ट अपोजिट लाइबिलिटी है ये, और ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रहा है। 2017 में 21,700 था और 2018 में 36,400 हो गया। तो ये पेबल्स है यानी कि लाइबिलिटीज है, और क्योंकि लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है इसलिए हम इसको यहाँ पर एड में डालेंगे। और यहाँ हम डिफरेंस देख रहे हैं कि डिफरेंस इसमें आ रहा है इंक्रीमेंट का डिफरेंस 14,700, वो हम यहाँ लिख लेंगे। फिर हमको एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 2017 में वो 48,000 के थे और 2018 में वो 60,000 के हो गए, यानी कि 12,000 का यहाँ पर भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। दूसरी बात कि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है मतलब कि लाइबिलिटी है, यानी कि लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, और ऐसी कंडीशन में हम इसको एड में डालेंगे।
और यहाँ हम लिखेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और डिफरेंस के अमाउंट हम देख रहे हैं कि 12,000 से ये इंक्रीज हुआ है। तो 95,200 जो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज मिली थी, उसमें हम इस तीनों मदों को अगर जोड़ दे तीनों मदों को अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल हमको मिल जाता है 1,23,900। और फिर हम इसमें लेस कर दें एसेट्स एक जो इंक्रीज हो रही है उसको, तो एसेट्स हमको यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस जो दिख रहे हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट्स होते हैं और एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो फिर वो यहाँ पर लेस हो जाता है, जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा है। तो एसेट्स यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस है 9,000, इसमें हम 4,000 इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो है 13,000, यानी कि 4,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, और 4,000 हम यहाँ पर लेस कर दें तो बैलेंस जो आ जाता है वो आ जाता है 1,19,900। और नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत ही आ जाएगा। निम्न जानकारी से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कर एवं प्रस्तावित लाभांश के बाद लाभ, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन एंड टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड 1,40,000। व्यापारिक प्राप्तियों में वृद्धि, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 12,000। अदत्त व्यय में कमी, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,800। मशीन पर हास, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 28,000। कर के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर टैक्स 54,000। ख्याति का अपलेखन, गुडविल अमोर्टाइज्ड 36,000। व्यापारिक देयताओं में वृद्धि, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 14,000। मशीन के विक्रय पर हानि, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 18,000। भूमि विक्रय से लाभ, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 31,000। प्रस्तावित लाभांश, प्रपोज डिविडेंड 32,000। आयकर चुकाया, इनकम टैक्स पेड 45,000। आयकर वापसी, इनकम टैक्स रिफंड 2,000। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है, और जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा वीडियो में कि किस प्रकार कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम यहाँ पर लिखते हैं, जो कि हमको एक अदर फॉर्मेट के द्वारा जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम उसके द्वारा प्राप्त होगा। तो इसको इसके पहले कि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करें, हम कैलकुलेट कर लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और इसके लिए हम अलग से फॉर्मेट बनाएंगे और इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन एंड टैक्स, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है 1,40,000। इसमें हम ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड, जैसे कि हमने फॉर्मेट में देखा था कि अगर हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं दिए गए हैं तो हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 54,000। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे प्रपोज डिविडेंड 32,000 और ये टोटल हो जाएगा 2,26,000। और इसमें क्योंकि एक रिफंड वाला टॉपिक भी दिया गया है तो रिफंड को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये जो बैलेंस बचेगा हमारा वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 2,24,000। तो इस फॉर्मेट से हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन कर ली है। अब इसके बेस पे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो ये हो जाएगा हमारा 2,24,000। और अब चलिए इसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं, कौन कौन से दो एडजस्टमेंट हम यहाँ पर लेते हैं, एक हम एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम लेते हैं और दूसरा हम वर्किंग कैपिटल आइटम के लिए लेते हैं। तो जब हम एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग
आइटम्स की बात करते हैं तो इसमें हम कुछ चीजों को ऐड करते हैं और कुछ चीजों को लेस करते हैं। हमने फॉर्मेट में देखा कि कौन कौन सी मदें नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में, नॉन कैश आइटम्स में ऐड होती हैं और कौन कौन सी मदें लेस होती हैं। इसके अकॉर्डिंग हम इस पूरे फॉर्मेट में से उन मदों को छाट कर अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको नॉन ऑपरेटिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी जो है अब वो है 28,000, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर गुडविल दी गई है, वो भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, उसको हम लिख लेंगे 36,000। और फिर दी गई है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 18,000। ये तीन चीजें हमको नॉन ऑपरेटिंग दिखे जिसकी हमने यहाँ पे वैल्यू लिख ली, और इसको हम जोड़ देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम में, तो ये हो जाएगा 3,06,000। इसमें हम लेस करेंगे, एक तो हमको यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग जो गेन है वो दिखाई दे रहा है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 31,000, उसको हम यहाँ पर लेस कर देंगे। और फिर जो बैलेंस आएगा वो हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब हमको इसमें एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम। तो वर्किंग कैपिटल के आइटम में हमको यहाँ पर ट्रेड पेबल दिखाई दे रहा है, रिसीवेबल दिखाई दे रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है इसमें, तो इसके बेस पे हम इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले देख रहे हैं कि एक ट्रेड पेबल दिया गया है, यानी कि लाइबिलिटी है, और वो भी इंक्रीज दी गई है इंक्रीज करके। तो हमने देखा पिछले क्वेश्चन में भी हमने इससे रिलेटेड एक पॉइंट देखा था, और वीडियो में भी हमने देखा, फॉर्मेट में देखा था कि अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे ऐड में इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 14,000, और फिर जब हम इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में ऐड कर देंगे, यानी 2,75,000 में इस 14,000 को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2,89,000। और लेस करने के लिए भी हमको दो पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं, एक तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, रिसीवेबल हमारे लिए प्रॉफिट यानी कि एसेट्स है, एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो हमको माइनस करना होता है, फॉर्मेट में हमने देखा, तो ये हो जाता है 12,000 यहाँ पर माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। और एक चीज हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो फिर वो लेस हो जाती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और 2,800 हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और अब जो बैलेंस आता है इनको माइनस करने के बाद वो कहलाता है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। तो ये हमारा बैलेंस आ रहा है 2,74,200 का, इसमें हम लेस कर देंगे टैक्स पेड जो कि 45,000 है, जैसे कि हमने अपने फॉर्मेट में देखा टैक्स पेड हम यहाँ पे लेस कर देते हैं, तो हमारा बैलेंस आ जाता है 2,29,200। और रिफंड ऑफ टैक्स भी दिया गया है, तो रिफंड ऑफ टैक्स हम इसमें प्लस कर लें क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बेस था वो था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, इसलिए हमको यहाँ पर रिफंड को फिर वापस से फिर से ऐड करना पड़ रहा है, तो रिफंड यहाँ पर दिया गया है 2,000, इसको हम इसमें ऐड कर दे तो हमको मिल जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,31,200। राजश्री लिमिटेड के लाभ हानि विवरण पत्र एवं अन्य सूचनाएं निम्न प्रकार हैं। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। यू आर गिवन बिलो द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ राजश्री लिमिटेड अलोंग विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लाभ हानि विवरण 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पर्टिकुलर्स, फर्स्ट, संचालन से आय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,60,000। सेकेंड, अन्य आय अदर इनकम 14,000। थर्ड, कुल आय टोटल रेवेन्यू फर्स्ट प्लस सेकेंड 4,74,000। फोर्थ, व्यय एक्सपेंसेस, ए, व्यापार के लिए माल का क्रय परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2,91,200। बी, व्यापार में स्टॉक में परिवर्तन चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड
प्रारंभिक स्टॉक ₹16,000, अंतिम स्टॉक ₹19,200, ओपनिंग इन्वेंट्रीज ₹16,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ₹19,200, अमाउंट ₹32,000, कर्मचारी कल्याण व्यय एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस ₹36,000, डी हास एवं ऋण मुक्ति व्यय डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000, अन्य व्यय अदर एक्सपेंसेस ₹34,800, टोटल ₹3,68,800। फिफ्थ, कर के पूर्व लाभ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स थर्ड माइनस फोर ₹1,05,200। सिक्स, आयकर चुकाया लेस टैक्स पेड ₹12,000, बैलेंस। सेवेंथ, कर के पश्चात लाभ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिफ्थ माइनस सिक्स ₹93,200। नोट्स ऑफ अकाउंट्स पर्टिकुलर। फर्स्ट, अन्य आय अदर इनकम, ए किराया प्राप्त रेंट रिसीव ₹75,000, बी विनियोगों पर प्राप्त ब्याज इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ₹6,500, टोटल ₹14,000। सेकेंड, अन्य व्यय अदर एक्सपेंसेस, ए निर्माणी व्यय मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ₹6,000, बी इंश्योरेंस ₹1,800, सी प्रशासनिक व्यय एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ₹9,400, डी बिक्री एवं वितरण व्यय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ₹11,600, ई मशीन के विक्रय से हानि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ₹6,000, टोटल ₹34,800। अतिरिक्त जानकारी एडिशनल इंफॉर्मेशन, अदत्त मजदूरी आउटस्टैंडिंग वेजेस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 8,000 and for the year ended 31st March 2017, nil. Adat Vetan, outstanding salaries, for the year ended 31st March 2018, 25,000 and for 31st March 2017, 30,000. Purvadat Bima, prepaid insurance, for 31st March 2018, 18,000 and for 31st March 2017, 15,000. उपार्जित कमीशन, एक्रूड कमीशन फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 17,000 एंड फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च 2017 13,600। इस क्वेश्चन में जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमको चाहिए होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंतर्गत जो कैलकुलेशन है वो करके दे दी गई है। जहां पर हम लाभ हानि खाते का विवरण देख रहे थे वहां फिफ्थ पॉइंट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,05,200 दे दिया गया है, उसको हम यहाँ बेस मान लेंगे। और फिर हम उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें हमको एडजस्टमेंट जो है वो टू टाइप्स एडजस्टमेंट करने होते हैं, जैसे कि अभी तक हमने देखा। एक तो हमको एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को ध्यान में रखना है, और दूसरा हमको एडजस्टमेंट फॉर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल कैपिटल आइटम को ध्यान में रखना है। तो यहाँ जब लाभ हानि का जब हम फॉर्मेट देख रहे हैं तो वहां हमको नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो दिखाई दे रहे हैं वो है डेप्रिसिएशन ऑन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, और दूसरी हमको चीज दिख रही है वहां पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मशीन के विक्रय से हानि। तो ये जो दो पॉइंट है इसको हम यहाँ पर यहाँ से ले लेंगे नोट्स ऑफ अकाउंट्स में से। तो यहाँ पे हमको डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस जो दिए गए हैं वो दिख रहे हैं हमको यहाँ पर 10,000, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 6,000 के हैं, तो इसको हम ले लेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हमको मिल जाएगा नोट्स ऑफ अकाउंट में, एंड डेप्रिसिएशन वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस हमको जो स्टेटमेंट हमको दिखाई दे रहा है वहां पर 10,000 का।
तो ये दोनों चीजें हम इसमें ऐड कर दें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए, तो ये टोटल जो अमाउंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की थी वो है 1,05,200, क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें हमने 10,000 डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हमने ऐड कर दिया 6,000, तो ये हो गया हमारा 1,21,200। और फिर हमने फॉर्मेट में देखा था कि किस तरह की चीजें हम इसमें से माइनस करते हैं एसेट्स, किस तरह की चीजें हम इसमें से माइनस करते हैं जो हमको रिसीवेबल्स होती हैं, जैसे रेंट रिसीव दिया गया है एक पॉइंट, यहाँ पर हम देख रहे हैं अन्य आय वाला नोट्स ऑफ अकाउंट वाला जो फॉर्मेट है उसमें अन्य आय में रेंट रिसीव दिया गया है उसको हम यहाँ पर लेस कर देंगे, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट दिया गया है उसको हम यहाँ पर लेस कर देंगे, तो ये हमारा बैलेंस जो आ जाएगा जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हो जाएगा 1,07,200। और अब हम इसमें एडजस्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल आइटम रिलेटेड, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अगर कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो हम उसको प्लस करते हैं और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हम उसको माइनस करते हैं, या फिर अगर कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो हम उसको माइनस करते हैं और कोई एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो हम उसको प्लस करते हैं, ये हमने इसके फॉर्मेट में देखा था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज हमको कौन कौन सी दिखाई दे रही है, एक हमको लाइबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है इस पूरी बैलेंस शीट इस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में, ये जो एडिशनल जानकारी दी गई है उसके अंतर्गत ये एसेट्स से लाइबिलिटी की इंक्रीज और डिक्रीमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है ये 2017 में कुछ भी नहीं था और ये 2018 में 8,000 हो गया, यानी कि हम तो ये मानेंगे ना यहाँ पर कि निल से 8,000 होना यानी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ गई। तो अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो हमने फॉर्मेट में देखा था कि ऐड करना है हमको उसको, तो हम ऐड में इसको लिखेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस और डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो 8,000 ही आता है। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सैलरी जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, यानी कि दायित्व का मूल्य यहाँ पर फिर से बढ़ रहा है, तो ये जो डिफरेंस की अमाउंट है वो हम यहाँ पर 5,000 ऐड में डाल देंगे, तो ये जो है टोटल वो हो जाएगा 1,20,200। और आइए देखते हैं इसमें हम माइनस क्या करेंगे, तो एक हमको प्रीपेड इंश्योरेंस दिखाई दे रहा है, पहले प्रीपेड इंश्योरेंस था 15,000 और 2018 में ये बढ़कर 18,000 हो गया, मतलब 3,000 का इंक्रीमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, तो इसको हम लेस में डाल देंगे। और एक हमको एक्रूड कमीशन यानी कि ये भी एसेट्स है, एक्रूड कमीशन यानी एसेट्स हमको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले ये था 13,600 का, अब हो जा रहा है ये 17,000 का, तो क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम यहाँ पर एड में लिख लेंगे 3,400। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि टोटल जो है हो रहा है इसका, जिसे हम कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, ये हो जाता है 1,13,800। और हम एक बार देख लेते हैं कि टैक्स पेड या रिफंड के बारे में अगर कोई जानकारी दी गई है प्रश्न में तो उसकी उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो टैक्स पेड दिया गया है 12,000 का, वो हम यहाँ पे लेस कर दें, तो 1,13,800 में से 12,000 टैक्स पेड हम लेस कर दें तो यहाँ हमको मिल जाता है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,01,800। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्वामी लिमिटेड के लाभ हानि जानकारी निम्नलिखित है। स्वामी लिमिटेड रिपोर्टेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 एज अंडर। संचालन से आय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹10,00,000, अन्य आय असाधारण आय लाभ अदर इनकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स ₹24,000, टोटल आय टोटल रेवेन्यू ₹10,24,000 माइनस व्यय एक्सपेंसेस संचालन व्यय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ₹6,80,000, डेप्रिसिएशन ₹84,000, टोटल ₹7,64,000, कर से पूर्व के लाभ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ₹2,60,000 माइनस कर के लिए आयोजन 40%, प्रोविजन फॉर टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, ₹1,04,000,
कर के पश्चात लाभ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज 1,56,000। अतिरिक्त सूचनाएं एडिशनल इंफॉर्मेशन। ए, संचालन व्ययों में मशीन के विक्रय से हानि ₹12,000 शामिल है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹12,000 रिगार्डिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बी, वर्ष 2017-18 में कर का वास्तविक भुगतान किया गया ₹88,000। एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स ₹88,000 इज मेड ड्यूरिंग द ईयर 2017-18। सी, अन्य चालू मदे निम्न है। बैलेंस करेंट आइटम एज फॉलो। बैलेंस करेंट आइटम आर एज फॉलोज। विवरण, व्यापारिक प्राप्तियां ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर द ईयर एंडेड 1 अप्रैल 2017 ₹50,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹60,000। स्टॉक माल सूचियां इन्वेंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 1 अप्रैल 2017 ₹50,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹44,000। व्यापारिक देयताएं ट्रेड पेबल 1 अप्रैल 2017 ₹30,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹36,000। अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यूजिंग डायरेक्ट मेथड। इस प्रश्न में हमको डायरेक्ट मेथड यूज करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन के लिए। और डायरेक्ट मेथड से जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं तो हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया गया है क्वेश्चन में। बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी जिसको हम देख रहे हैं, 2,60,000 को हम बेस मान लेंगे और फिर उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कॉस्ट एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें हम लॉस टाइप के जो आइटम है उनको ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट टाइप के जो आइटम होते हैं उनको हम लेस कर देते हैं। यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दे दिया गया है 84,000, उसकी वैल्यू यहाँ हम लिख लेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एडजस्टमेंट में दिया गया है कि ₹12,000 की हानि हुई है मशीनों के विक्रय से, तो वो 12,000 यहाँ पे लॉस है इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो टोटल 96,000 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 2,60,000 में से। और फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम 2,60,000 में ऐड कर देंगे 96,000 तो टोटल हमको मिल जाएगा यहाँ पे 3,56,000। और अब ये जो 3,56,000 हमको मिल गया ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस। तो ये 3,56,000 में हमको फिर से एडजस्टमेंट करना है, जिसमें हमको ध्यान रखना है कि अगर किसी करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको हमको ऐड करना है। तो इसके लिए हमको ध्यान में रखना है कि अगर किसी करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको हमको ऐड में रखना है, या फिर किसी करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको हमको ऐड में रखना है। दूसरी बात, अगर किसी करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो लेस हो जाएगा, और अगर किसी लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो लेस हो जाएगा। तो इस बेस पे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्वेंट्रीज हमको दिखाई दे रही है, जो हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें इन्वेंट्रीज दिखाई दे रही है। इन्वेंट्रीज हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है जो की 2017 में 50,000 थी और 2018 में 44,000 हो गई, यानी कि 6,000 यहाँ पर जो इन्वेंट्रीज है उसमें डिक्रीज हो रहा है वो, तो इसको हम ऐड में लिख देंगे। फिर हम देख रहे हैं ट्रेड पेबल, ये भी एक प्रकार से लायबिलिटी है हमारे लिए, जो कि 17 में 30,000 की थी और 2018 में वो 36,000 की हो गई, यानी ये हमारी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। कितने से इंक्रीज हो रही है? 6,000 से, तो वो 6,000 हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो टोटल 12,000 जो है वो यहाँ पर ऐड में आ जाएगा, जिसको कि हम फिर आउटर अमाउंट में लिखेंगे, और ये टोटल हो जाएगा 3,68,000। फिर हम इसमें लेस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स को,
तो ट्रेड रिसीवेबल इसलिए हम इसमें लेस कर रहे हैं क्योंकि ये 2017 में 50,000 का था और 18 में 60,000 का हो गया, यानी कि 10,000 ये इंक्रीज हो गया। तो अब हम इसको लेस कर देंगे 10,000, 3,68,000 में 10,000 हम लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स 3,58,000। और इसमें फिर हम लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, तो इनकम टैक्स पेड हम इसमें लेस कर देंगे, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है 88,000, ये हम अगर इसमें से लेस करते हैं तो हमको जो आंसर मिलता है वो आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स बट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।